आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज स्माइलिंग इन माई इंटरव्यू. मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ डीमोनेटाइजेशन के क्वेश्चन से. तो सक्सेस जल्दी हासिल करने का यूपीएससी में कोई फॉर्मूला नहीं है. इट टेक्स 3 to 4 years टू अंडरस्टैंड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन इटसेल्फ टेक्स 1 year. रियली टाइम टेकिंग और मेहनत बहुत लगती है, ऐसा नहीं है. और आपको कनेक्टिविटी थोड़ी ना कम करनी पड़ती है, इवन विद द फ्रेंड्स विद द फैमिली. मेरा नाम है रतु और आज मैं आपको लेकर आई हूँ यूपीएससी के ऑफिस धौलपुर में, जहाँ पर यूपीएससी के इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं. जी हाँ दोस्तों, यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद हर एक स्टूडेंट जो सेलेक्ट होगा उसको भेजा जाएगा लबासा, जहाँ से उसकी शुरुआत होगी एक आईएएस बनने की. जी हाँ, उसके सफर की शुरुआत होगी जहाँ वो एक आईएएस बनकर सामने आएगा. मैं अपनी टीम के साथ, जिसमें मेरे साथ मिस्टर भूपेंद्र पाल शर्मा जी हैं और मेरे साथ हैं अंकित सर. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके ये इंटरव्यू के लिए. मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा. मेरा नाम साक्षी है और ये मेरा 3rd attempt था. मेरा 2nd interview था. लास्ट ईयर भी मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, बट बिकॉज आई स्कोर्ड लिटिल लेस इन मेंस, सो मुझे 3rd attempt फिर से देना पड़ा. तो मेरा इंटरव्यू अभी RN24 सर का बोर्ड था, बहुत ही अच्छा हुआ. एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज स्माइलिंग इन माई इंटरव्यू. और सवाल भी मेरे स्टेट से रिलेटेड, जैसे बिहार से थी मैं और बिहार से थे, और कुछ करंट अफेयर्स के सवाल थे और कुछ ऐसे जो मेरे एरिया से रिलेट करते थे. डीमोनेटाइजेशन पे सवाल पूछा गया, तो बहुत ही नॉर्मल सवाल थे, मैंने अच्छे जवाब दिए मुझे लगता है. सो आई होप दिस टाइम आई विल डू इट. मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो कितना टाइम पीरियड आपके इंटरव्यू को लगा और किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो थे, मतलब किस क्वेश्चंस में आपको लगा कि आप थोड़ा सा नर्वस हुई या आपने कॉन्फिडेंटली किस कैसे क्वेश्चंस का जवाब दिया. ओके, मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ डीमोनेटाइजेशन के क्वेश्चन से. तो डीमोनेटाइजेशन क्योंकि एक पुराना टॉपिक है, जैसे 2015 में आया था एंड इट्स बीन 7 years आफ्टर दैट, तो उन्होंने उसके बारे में कॉन्सिक्वेंसेस और वो सारी चीज़ें पूछी. तो उसमें मुझे थोड़ा लगा कि मैं और बता सकती थी अगर मुझे जानकारी होती, अदरवाइज़ बाकी सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है मैंने अच्छे से हैंडल किए. मैरिटल रेप पे क्वेश्चन था, जुवेनाइल जस्टिस पे क्वेश्चन था, और मेरे घर से मैं दिल्ली कैसे आ सकती हूँ उन चीज़ों पे क्वेश्चन था, रोड कौन सी है, एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे. ओके मैम, आप थोड़ा सा आप जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपने कब स्टार्ट किया यूपीएससी की प्रिपरेशन और किस किस तरह की डिफ़िकल्टी आपने फेस की ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, और आप स्टूडेंट्स को किस चीज़ की एडवाइस, मतलब किस तरह से एडवाइस करना चाहेंगे कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें ताकि उनको सक्सेस जल्दी हासिल हो. देखो, सक्सेस जल्दी हासिल करने का यूपीएससी में कोई फार्मूला नहीं है. इट टेक्स 3 to 4 years टू अंडरस्टैंड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन इटसेल्फ टेक्स 1 year आफ्टर प्री मेंस इंटरव्यू. सो आई फील मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, और उसके पहले मैं एक अटेम्प्ट अपने सेल्फ प्रिपरेशन से दे चुकी थी. उसके बाद मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की और मैंने 2nd attempt में 2019 में इंटरव्यू तक मैंने क्रैक किया. उसके बाद 2020 में कोविड की वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई तो मैंने वो अटेम्प्ट स्किप किया, और अब मैं 2021 के अटेम्प्ट में अपेयर हुई थी. तो मुझे लगता है कि अगर आप उस एग्ज़ाम के लेके कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी कमी रह गई है, आप खुद को अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बाद एग्ज़ाम दो. लेकिन ये हमेशा ध्यान रहे कि प्रिपरेशन भी कभी पूरी नहीं होगी, आपको वो असेसमेंट करना पड़ेगा कि आप UPSC के लिए कब तैयार हो, और वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से. वो बहुत ज़रूरी है करना. तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सब कुछ डिसाइड होना चाहिए. मैम, जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ की बात करी, तो कितना अहम रोल रहता है टेस्ट सीरीज़ का, और किस तरह से और किस टाइम पर स्टूडेंट को प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने शुरू करने चाहिए या फिर आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करने चाहिए. देखो, देयर इज़ अ ग्रेट सेइंग दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो बिफोर गोइंग टू सच अ टफ एग्जामिनेशन यू नीड टू प्रैक्टिस. सो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं इस कंटेक्स्ट में. आपको स्टार्ट कब करना है? फॉर प्रिलिम्स आई स्टार्टेड 3 months बिफोर माई प्रिलिम्स, एंड मेन्स के लिए जो मॉक टेस्ट होती है वो आप
प्रीलिम्स के जस्ट बाद आप ज्वाइन कर लो, है ना। और ऑप्शनल के लिए या फिर जीएस के लिए, दोनों के लिए ज्वाइन करना है, या प्री के पहले भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई फील कि इवन बिफोर इंटरव्यू मॉक्स आर वेरी गुड टू मेक यू एटिकेटेड, टू मेक यू फील द मैनरिज्म इन विच यू हैव टू अपीयर। सो एवरीथिंग इज लाइक प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम, हाउ यू स्टार्ट मैम, लाइक कि आपने प्रीलिम्स की पहले प्रिपरेशन की या फिर मेंस की, या फिर आपकी स्टडी इंटीग्रेटेड रहे? इट्स वेरी इंटीग्रेटेड एक्चुअली, क्योंकि अब प्रीलिम्स में भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बस प्री से और एमसीक्यू दिया और टिक कर दिया। देर आर 4-5 स्टेटमेंट्स फ्रॉम वेयर यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट। सो मेन्स के लिए जब हम पढ़ते हैं इट्स एनालिसिस बेस्ड, जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो एमसीक्यूज के जो स्टेटमेंट होते हैं वो खुद ही समझ में आ जाते हैं कि सही है या गलत है। सो आई फील इंटीग्रेटेड पढ़ना चाहिए। लाइक मैम, आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन का कोई अहम रोल नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। ओके मैम, मैम तो आप अपना बुक सोर्सेस थोड़ा बताएंगी कि आपने बुक सोर्सेस क्या था और क्या शेड्यूल होता था आपका टाइम का? जैसे लोग कहते हैं 12-12, 13-13 घंटे स्टूडेंट देते हैं। इट्स एक्चुअली दैट शेड्यूल, बट यू कैन नॉट स्टडी फॉर 12-13 आवर्स फॉर द होल ईयर। सो शुरू में आपको 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने हैं, उस और वो ऐसे निकल जाते हैं। आप अगर आपने सुबह टारगेट बना लिया या रात में टारगेट बना के सोए कि अब मैं ऐसे शुरू करूँगा कल का दिन अपना, तो वो 10 घंटे तो लग ही जाते हैं, उसमें कोई मतलब दो राय ही नहीं है। बट बिफोर 1 month, 2 month और एग्ज़ाम इवन 12-13 आवर्स आर लेस, वो लगता है कि मैं कैसे 25 घंटे बना लूँ एक दिन का। सो इट्स रियली टाइम टेकिंग और मेहनत बहुत लगती है, ऐसा नहीं है। और आपको कनेक्टिविटी थोड़ी ना कम करनी पड़ती है, इवन विद द फ्रेंड्स विद द फैमिली, वो थोड़ा कटना पड़ता है लाइफ से और सारी चीज़ें। मैम जैसे स्टूडेंट 10-12 आवर का अगर शेड्यूल बनाते हैं तो आपका मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ उनको करनी चाहिए कि वो अपने जो टाइम टेबल है उस पर स्टिक रहें और जो डेली टारगेट उनका हो वो अचीव कर पाएँ? मैं ये बोलूँगी कि आप रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं, ऐसा नहीं बनाएं कि मैं सुबह 7 बजे बैठूंगा, 12 बजे तक 5 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे का गैप लूंगा, फिर 3 बजे बैठूंगा तो 8 बजे तक पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक एक घंटे 2-2 घंटे पढ़िए, आप ब्रेक लो, म्यूज़िक और जो भी आपको पसंद का हो आप वो करो, लेकिन दोबारा बैठना ज़रूर है। ये नहीं कि 1-2 घंटे में उठ गए फिर उठ ही गए, है ना, ऐसा लोगों के साथ होता है। बैठना है वो दिमाग में चलता रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि प्रिपरेशन में मोटिवेशन बहुत बड़ा काम करता है। जब भी आप लो फील करें सबसे पहले आप ये सोचें कि आपने क्यों ज्वाइन करना है सिविल सर्विसेज, एंड दैट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन इन द इंटरव्यूज एज वेल। सो आई फील वो हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए। और आप अगर उससे जुड़ी कोई चीज़ कर सके, लाइक आप किसी स्लम चिल्ड्रन को पढ़ा सकें या फिर आप किसी तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें जो सोशली कॉन्ट्रीब्यूट करता हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम जैसे आपने कहा कि स्टार्ट ज्वाइनिंग क्यों करना चाहते हैं वो आप अपने माइंड में रखें, तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में होना चाहिए कि व्हाई यू स्टार्ट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई यू स्टार्ट, आपकी कौन सी ऐसी प्रेरणा थी जिसने आपको मोटिवेट रखा इस पूरी लंबी जर्नी में, और तो वो मैं जानना चाहूँगी मैम। एक्चुअली देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, और मैं बिहार से हूँ, क्योंकि बहुत पढ़ने का हमारे टाइम नहीं था मेरे गाँव में। तो आई यूज़ टू स्टडी इन द गवर्नमेंट स्कूल, एंड देन व्हेन आई वाज शिफ्टेड टू अ प्राइवेट स्कूल आई सॉ अ ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन इन माई सेल्फ, इन माई इंग्लिश लैंग्वेज, इन माई सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे लगा कि एजुकेशन में थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए, एंड तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज इसलिए ज्वाइन करूँगी। बट ग्रोइंग अप मुझे लगा नो, सिविल सर्विसेज गिव्स अ प्लैथरा ऑफ डाइवर्सिटी, जहाँ पे आप किसी भी पार्ट में काम कर सकते हो, इट्स बी इट एजुकेशन, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग यू नीड टू रिफॉर्म आप कर सकते हो उसमें। एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। मैम जैसे कि एक पैराडॉक्स लोग फॉलो करते हैं कि एक कम एज के स्टूडेंट इसको ज़्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हैं, तो जितना आपको जल्दी हो से अचीव अपना स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन, तो आप ऐसे लोगों को जो थोड़ा जैसे प्रोफेशन में पहले से हैं और कुछ अपनी पर्सनल इशू या फाइनेंस की वजह से नहीं कर पाए, तो उनके लिए आप
क्या कहना चाहेंगी कि ऐसे लोगों को किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए और किस तरह से वो स्टार्ट कर सकते हैं? तो अपनी जो इनर विल और डिटरमिनेशन होती है वो हमेशा आपके अंदर होती है। आप अगर कभी भी वीक महसूस करते हो, बी इट एनी कंडीशन, फाइनेंशियल हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, रीड सम ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिया, रीड APJ अब्दुल कलाम, रीड विवेकानंद, रीड दयानंद सरस्वती, what they were saying about India, how, what difficulties they faced, but they came out of it, and very well they came out of it. So I feel that gives the impetus from inside ki nahi, agar aapko us mukam pe pahunchna hai to aapko inke jaisa safar to tay karna padega. Vivekanand could not eat for three days once when he was spreading the message of Ramakrishna Paramahans mission. You should be ready to do that. डेडिकेशन और सेक्रीफाइस UPSC डिमांड्स, आई फील सो। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को मैम से बहुत कुछ सीखना को मिला होगा। मैम लास्ट टिप्स अगर आप हमारे जो फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको देना चाहें तो वो आपके साइड से क्या होगी? जस्ट ट्राई एंड ट्राई, एज रविन्द्रनाथ टैगोर सेज, नॉलेज इज फ्री। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ाई में, बिकॉज अभी डिजिटल लर्निंग का ज़माना है, आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी जब आपने ठान लिया है तो इन एनी कंडीशन इफ़ यू हैव टू मेक इट, जस्ट मेक इट, जस्ट ट्राई फॉर इट, कीप ट्राइंग फॉर इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम।